आबिद भाई, देखें आप एक पॉपुलर लीडर हैं फैसलाबाद के, और मुझे बड़ी हैरानगी हुई थी आपके इलेक्शन रिजल्ट पे। ये जिस तरह इलेक्शन कमीशन अपलोड कर रहा है ना, मैं तो कहता हूँ अपना भी फॉर्म 45 वाला चेक कर ले, पाँच रहे आपके खिलाफ भी वाइटनर यूज़ हुआ हो, एक तो ये बात ठीक है, क्योंकि आप वहाँ से इस सारे मामले में नहीं जीते, हालांकि मुझे लगता था कि आप जीत जाएंगे, क्योंकि आप एक बड़ी पॉपुलर वॉइस है, स्ट्रॉन्ग वॉइस फैसलाबाद के अपने हल्के से, और आपने काम भी किया वहाँ। मुझे आप सिर्फ ये बताएं सर कि ये जो कह रहे हैं जी हम प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते, जाली है, सीएम को सीएम नहीं मानते, बायकॉट कर दिया इलेक्शन का पंजाब के राणा आफ्ताब साहब ने, अब ये कह रहे हैं कि जी निज़ाम को चलने नहीं देंगे, प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है, आप किस तरह डील करेंगे? भी आपके ये अर्ली 6 महीने बड़े हैवी हैं, बड़े क्रूशल हैं, इकॉनमी के मामलात हैं, आप इनके एहतजाज की कॉल को जो सिविल वॉर तक कॉल होंगे जा सकती है, किस तरह डील करेंगे आप? बहुत शुक्रिया कामरान भाई। शौकत बसरा साहब इसमें कोई शक नहीं है, पॉलिटिकल वर्कर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सफ़र शुरू किया, घूमते घुमाते हैं, बिल्कुल इनकी जद्दोजहद है, मैं इस पर कोई दो राय नहीं रखता। कारकुनों की इज्जत करनी चाहिए, पॉलिटिकल कारकुनों की। शौकत बसरा साहब को पता होना चाहिए जिस तरह का 2018 का इलेक्शन हुआ, जिस तरह इन्होंने मैनेज किया, जिस तरह मुझ जैसे शख्स को हराया गया 800 वोट से, अगले दिन इनके फैसल वाडा साहब की वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कुरान पे हलफ देता हूँ कि आबिद शिरीरी को हराया गया। हाँ जी मैंने सुना है, उन्होंने कहा है। तो ये जब 2018 में शौकत बसरा साहब की पार्टी जिस तरह फैज़ हमीद साहब के कंधों पे बैठकर इक्तदार में आई, हमारे लोगों को हरवाया गया, नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज शरीफ साहबा को जेल में रखा गया, शहबाज शरीफ साहब को उनकी बेटी समेत हथकड़ियाँ लगाकर अदालतों में पेश करते रहे, शायद शौकत बसरा साहब को उस वक्त इक्तदार का नशा था जब मरियम नवाज शरीफ साहब के कमरे को तोड़ा गया कराची में, तो ये इक्तदार के नशे में धुत थे उस वक्त के, इनको कोई पता नहीं था कि इक्तदार के बाद ऐसा भी निज़ाम होता है। तो ये तो क्या कहते हैं कामरान शाहिद साहब, तो इन लोगों का किए खाते हैं जो पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है, जाली मैंडेट के साथ तो ये आए, चोरी करके तो ये आए, ये साकिब निसार के साथ नकब लगा के तो ये आए, सईद आसिफ सईद खोसा के साथ नकब लगा के तो ये आए, जस्टिस अजमत सईद साहब के साथ नकब लगा के तो ये आए, इजाजुल अहसन साहब जो भी गए हैं रिटायर्ड होके भाग गए हैं, जो जिनको इनकी पूरी चोरी में मुलव्वस है, तो ये उन जजेस के साथ बदनामे जमाना जजेस के साथ जो रिटायर्ड हो गए उनके साथ मिलकर ये साजबाज करते रहे, नवाज शरीफ की नवाज शरीफ साहब के साथ, ये वही लोग थे जो जस्टिस सिद्दीकी साहब को कहते थे अगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज अगर 2018 के इलेक्शन में आ जाए तुम्हारे तो 2 साल की मेहनत का तो जनाजा निकल जाएगा। लेकिन शाहिद साहब उसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब एज अ लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने इमरान खान को कहा जब वो वजीर आजम सिलेक्टेड कहा कि हम आपका साथ देने के साथ सुन लें हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, इन्होंने कहा जी कि मैं चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाता, मैं डाकुओं के साथ, सबसे बड़े जमाने के तो चोर आप हैं, 70 अरब रुपया जो लंदन से आया नेशनल क्राइम एजेंसी का, अभी तो वो चोरी का केस वापस बाकी है। ये कामरान साहब बात ये है कि ये कब नहीं इन्होंने सिविल नाफरमानी की तारीख चलाई, बिजली के बिल इन्होंने चलाए, टीटीवी पर हमला इन्होंने किया, हमारी मुसल्ला फौज की वर्दियां इन्होंने डंडे सोटों पर लटकाई, हमारे कोर कमांडरों के घरों पे इन्होंने हमला किया। मेरे भाई ये अब वो वाला पाकिस्तान नहीं है जहां पे साकिब आप करेंगे क्या अगर एहतजाज होगा या भड़ गया, किस तरह डील करेंगे, ताकत से या मुज़ाकरात से? ये मैं समझता हूं कि ये फटफटा भी नहीं सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा हम आईनी तरीके से इनका मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये फटफटाएंगे भी नहीं इंशाल्लाह ताला, इनकी आवाज़ भी नहीं निकलेगी अगर ये पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ आएंगे, रियासत के खिलाफ आएंगे, रियासती इदारों के खिलाफ आएंगे। तो मैं अल्लाह नान कहता हूँ कि इन्होंने जिस तरह फौज पर हमला किया इनकी कोई रियायत नहीं होगी, इनकी कोई माफी नहीं होगी। आप आईनी तरीका इस्तेमाल करें, अगर ये समझते हैं पॉइंट आ गया जी, इनके साथ कोई 19-20 हुई है तो अदालतों में जाएं, बिल्कुल ठीक है, सड़कों पर आएंगे, देखिए सर आपका पॉइंट आ गया, को डिस्टेबलाइज करेंगे, इनको हरगिज इजाजत नहीं दें।